नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के ऊपर। आईडीबीआई बैंक की स्टेक सेल करने की पूरी तैयारी हो चुकी है दोस्तों। स्टॉक में भारी तेजी, एलआईसी की खरीद रेट पर स्टॉक का प्राइस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ₹50 पर एलआईसी ने अपना स्टॉक मतलब इस बैंक में हिस्सेदारी यहाँ पर जो है खरीदी गई थी एलआईसी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो प्राइस अब आ चुका है। अब यहाँ पर एलआईसी को भी अपनी वैल्यू जो है वो वापस मिलने लगी है। अब यहां से और वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्या क्या आपको जानना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं, और अब क्या करना चाहिए इतनी तेजी के बाद इसके ऊपर भी हम चलिए बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट है और यहां पर जो है ये तेजी जो है वाकई में काबिलियत है, क्योंकि यहां पर जो है ऐसी तेजी पीएसयू बैंक में और किसी भी यहां पर एसबीआई के सिवा तो यहां पर नहीं दिखी है। अभी मैंने आपके सामने चार्ट तैयार कर रहा हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बातों पर। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ट पर देखते हैं। तो इस वक्त जो है वो भाई, इस वक्त यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो मैं आपको ये नहीं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कुछ और इस चार्ट की बात। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक अपर है तो और ये एक लोअर, तो यहाँ पर इसे कहते हैं लोअर लाइन। ये लोअर लाइन जो है यहाँ से सपोर्ट देकर ऊपर गया है ये स्टॉक, और ये है अपर लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस लाइन को अब बस ब्रेक करना है। इस लाइन को अगर ये दोबारा ब्रेक कर दे और 50 के ऊपर निकल जाता है तो आप यकीन मानिए ये आपको और भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है सेलिंग यहाँ पर जो है इसकी स्टेक सेल की वजह से यहाँ पर जो है वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये अभी इन लेवल्स पर पहुँचने वाले जहाँ पर एलआईसी ने पैसा डाला है इसके अंदर। तो तैयार हो जाओ, एलआईसी थोड़े से मुनाफे में ज़रूर निकलेगी, यानी इसका मतलब यह है कि आईडीबीआई का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा यहाँ से और बढ़ने वाला है, ताकि एलआईसी को भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। वो स्टेक सेल यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पास में ये दिन आ चुका है जब स्टेक सेल यहाँ पर होने वाली है। तो ये तैयारियाँ हैं, ये तेजी बताती है कि एलआईसी या आईडीबीआई बैंक जो है उसमें यहाँ पर स्टेक जो है अब बिकने का टाइम आ चुका है। तो तैयार हो, यहाँ पर वैल्यू जो है वो अनलॉकिंग होगी। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मैंने आपको बता दी 50 के ऊपर निकलना है इस स्टॉक को। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस जो था वो काफ़ी टाइम से भी था। देखिए अगर हम बात करें इसके स्टॉक की, माफ़ कीजिएगा गलती से ये जो है गलत बन गया है, तो ये ज़रा देखिए इस पर गौर करिएगा। अगर हम इसे देखें, देखिए इस स्टॉक ने लमसम अपना ज़्यादा टाइम जो है वो एक रेंज में बिताया, और ये टाइम है, ये दिन है आपका 9 मई का दिन से यहाँ से जो है एक रेंज में आ गई। ये आपको एक रेंज सी दिख रही होगी, और देखिए जरा आप इस चीज़ को देखिए, 10 मई से 9-10 मई से यहाँ पर जो है एक रेंज में चला है स्टॉक। एक यहाँ पर जो आपको रेंज दिख रही है ये अपर और लोअर लाइन के एकदम बीचों बीच, और ये ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने। ये दिन है आपका 27 सितंबर, और 27 सितंबर के बाद आज का दिन है, आज 1 अक्टूबर है, और कुछ ही यहाँ पर 2-3 दिनों में ही स्टॉक ने जो है अपना अंडर परफॉर्मेंस जो है वो ख़त्म करके दिखाया है। तो ये काफ़ी काबिलियत वाली बात है। ₹36 से ₹40 के बीच में स्टॉक घूमता रहा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि RSI जो है वह पहुँच चुका है 77, यानी ओवर बाउट जोन में अब ये स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको गिरावट यहाँ पर दिख सकती है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, कितना अंडर परफॉर्मेंस जो इस स्टॉक ने रहा है, इस स्टॉक में रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही कौन सा लेवल आपको पार करना है जिसके बाद आपको एक अच्छी खासी और तेजी देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको दोनों चीज़ यहाँ पर चार्ट जो दिख रहा है वो मैंने बता दिया है। अब आपका यहाँ पर जो है दूसरा यहाँ पर जो स्टेप ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर में ये देखा जाए कि पी रेशियो कितना है। तो 25.49 है, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्री पी जो है वो 29.36 है। तो अगर दोनों कंपेयर करो तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर जो है 4 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर स्टॉक अभी 4 पॉइंट सस्ता है, और मार्केट कैप इस कंपनी का पहुँच चुका है 50,000 करोड़ के समथिंग। EPS यहाँ पर 1.82 है, यानी कंपनी कमा रही है, यानी बैंक कमा रही है। इसकी बुक वैल्यू लमसम ₹30 है। इसके अगर हम
बुक वैल्यू को देखें तो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 18 रुपये ऊपर ही है। तो ध्यान रखें यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कुछ ही दिनों में लगता है ऐसी खबर आने वाली है जो इसे झुमा देगी इस स्टॉक को, यानी स्टेक सेल करने की खबर आने वाली है। और 4 लोग वैसे भी यहाँ पर जो है इंटरेस्टेड हैं IDBI में स्टेक खरीदने के लिए, तो तैयार हो जाओ, यहाँ पर और भी गेन यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी इस तेजी के बाद मैं आपको बता दूं कि 4 इंडिकेटर्स में 3 इंडिकेटर आपको बोल रहे हैं कि भैया ओवरबाउट जोन में आ चुका है, यानी यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब गिरावट कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 5 से 10% की और यहाँ पर जो है गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके डील्स को देखें तो कल इसमें जो है कोई भी डील नहीं हुई है। 2019 में LIC ने खरीदी थे स्टेक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदे 24 अक्टूबर 2019 में, तो बस उसी एक डील के बाद और कोई भी यहाँ पर डील नहीं हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। हालाँकि यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ पर इस बैंक में एक प्रपोजल जरूर आना चाहिए जो कि है रिडक्शन का, इक्विटी रिडक्शन का भी प्रपोजल इस बैंक में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। उसमें क्या होगा दोस्तों, इस बैंक की जो शेयर कैपिटल है या कहें जो शेयर्स इशू हैं मार्केट के अंदर वो कम हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है 1,075 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो बहुत बड़ा एक फिगर है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर चलना जो है वो इतना आसान नहीं है। यानी 1 रुपये बढ़ने पर 1,075 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ेगा, यानी 100 रुपये पर 1,00,000 करोड़ की बैंक हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ बदलने वाला है। अगर ये प्रपोजल आता है तो 100 शेयर की जगह आपके पास 10 शेयर रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है वो यहाँ पर 10 टाइम यहाँ पर कर दिया, यानी आपका जो प्राइस अभी जो चल रहा है 50, तो यहाँ पर जो है 10 गुना कर दिया जाएगा, और आपका जो आपका शेयर का जो रेशियो है आपके पास क्वांटिटी है उसे 10 टाइम्स कम भी कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन इक्वली रहेगा, इसमें कोई घाटे की बात नहीं है। हालांकि उसके बाद जो है बैंक बहुत तेज़ी से चलने लगती है। अब अगर यहाँ पर डिलीवरी भी देखें तो 30 सितंबर की जो है 35% की डिलीवरी यहाँ पर हुई है, 36% डिलीवरी हुई है, लगातार यही डिलीवरी चाहिए रही है। बहुत कम ऐसा रहा है कि 40-50% की डिलीवरी रही हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है एक यहाँ पर कहें तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं, वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ही देखने लायक बनते हैं। 4,71,00,000 का वॉल्यूम अभी तक यहाँ पर जो है हो चुका है, तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये बैंक ऊपर जा रही है, यानी स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो कुछ कहना है अगर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।